किसान व मजदूरों के अधिकारों के लिए रविवार को एक किसान महासम्मेलन हिसार के चौधरी रिसोर्ट में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक एवं अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी एवं किसान नेता अलीन माल नलवा रहे, जबकि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में नाना पटोले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने शिरकत की। नाना पटोले का कांग्रेस भवन पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कांग्रेस भवन से जनसभा स्थल तक ट्रैक्टरों के जत्थे के साथ ले जाया गया। हिसार में आज कांग्रेस का विशाल किसान महासम्मेलन भारी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। किसान महासम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश का गृह मंत्री ही तड़ी पार हो तो देश का भविष्य कैसा होगा, यह आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि GST लागू करके भाजपा सरकार ने अंबानी और अडानी को जेबें भरने का काम किया है। वहीं डीजल और पेट्रोल के हर रोज बढ़ते दामों से किसानों की कमर भाजपा ने तोड़ दी है। नाना पटोले ने कहा कि फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों की जेब से रुपया निकाला गया, लेकिन ओलावृष्टि और फसलें खराब होने के बावजूद भी किसानों को रुपये नहीं दिए गए। नाना पटोले ने कहा कि आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है और आज हिसार से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है। इस आंदोलन को पूरा देश भर में चलाया जाएगा। आज का कार्यक्रम जो है भाई नाना पटोले के अध्यक्षता में हमारा प्रोग्राम हुआ है और ये किसानों की आवाज़ उठाने के लिए प्रोग्राम हमने किया है और ये हमने शुरुआत यहाँ से की है हिसार से। और पूरे देश में हम लोग जो है, अगर ये सरकार दमनकारी नीतियाँ अगर ऐसे ही जारी रखेगी तो पूरे इंडिया में हम लोग इनका विरोध दर्ज करेंगे। धन्यवाद। आएंगे आज किसान महासम्मेलन में आए हैं, किसानों की क्या दुर्दशा है? देखो, मोदी सरकार और खट्टर सरकार ने जिस तरह से किसान को बर्बाद करने का ही सोच लिया है, मैंने जो मुद्दे यहाँ पे रखे हैं, फिर GST हो, नोटबंदी हो, किसान के फसल को दाम ना देने का उनका जो प्लान हो, फर्टिलाइजर के दाम डेढ़ गुना बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल के भाव उतने ही स्पीडली बढ़ा रहे हैं, और यह सब चीज़ों में इन लोगों की जो पॉलिसी है उसमें से और उन लोगों ने एक बात की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाकर मुट्ठी भर उद्योगपतियों के घर में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां खोलकर किसानों का, पहले ही वो माली हालत में कमज़ोर होने के बाद भी उन्हीं का पैसा किसानों का वो मुट्ठी भर उद्योगपति के घर में डालने का जो पाप कर रहे हैं। और ऐसे किसान विरोधी सरकार जो है खट्टर सरकार, गरीबों के विरोध की सरकार खट्टर सरकार, मोदी सरकार, ये सरकार के विरोध में पूरे देश में हम आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। हिसार से उसकी शुरुआत हुई। क्या रणनीति है आगे, किस प्रकार से आप लोग कैसे मुद्दा उठाएंगे? देखो, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और ऐसे समय में मोदी और खट्टर विचारधारा की जो सरकारें पूरे देश में इनकी बनी हुई है, आपने देखा होगा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जब उत्तर प्रदेश में 10 आदिवासियों का नरसंहार हुआ तो उनके परिवार को सांत्वन करने के लिए हमारी नेता जा रही थी, तो उस समय में हमारी नेता को अरेस्ट करवा लिया। 144 धारा वहाँ थी ये बता रहे हैं। तो हमें उनको एक सवाल करना है कि ममता बनर्जी बार बार इनको कह रही थी कि वेस्ट बंगाल में हालत ख़राब है, 144 धारा लगी है, आप आओ मत, तो ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ गए। तो जब ये लोग ज़बरदस्ती कर सकते, जो सत्ता में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, जो कानून व्यवस्था को संभालने का काम इन लोगों ने करना चाहिए, तो ये लोग नहीं कर सकते। और प्रियंका जी वहाँ भाषण देने नहीं जा रही थी, उनके परिवार को सांत्वन देने जा रही थी, तो इतनी से के लिए हमारी नेता को अरेस्ट कर लिया। और नरसंहार हुआ, आज उत्तर प्रदेश हो, हमारा हरियाणा हो, ये राज्यों में कानून व्यवस्था कहाँ पर है? और ऐसे समय में हम लोग लोकतांत्रिक इससे हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और इनको जवाब देंगे। अगर ये लोग जेल में डालना चाहते तो जेल में डालिए, हमें कोई अड़चन नहीं, क्योंकि कांग्रेसी जब अंग्रेज के ज़माने में यही हुआ था उसके लिए कांग्रेसी तैयार है, हम लड़ाई लड़ेंगे और हमारे देश का संविधान। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जांच जारी है, कहीं जांच हो रही है, कहीं पे मामला नवीन जिंदल का हो, उपेंद्र सिंह गुप्ता का या प्रतिनिधि का, अब ऐसा है कि देश का गृह मंत्री तड़ीपार है। अब ऐसे समय में क्या हो सकता है, अच्छे खासे लोगों को अड़चन में लाने का कानून भी वैसे ही बना रहे, जो पार्लियामेंट को और 2 हफ्ता का बढ़ाया है वो पार्लियामेंट में कानून भी जो बन रही है आपने देखा होगा, अभी परसों ये ऐसा कानून बनाया इन लोगों ने कि नाबालिग बच्चे ने अगर गाड़ी चलाई और पकड़ा गया तो उसके माँ बाप को अरेस्ट करेंगे। तो हमारा एक सवाल है, तो तुम ऐसा भी बना दो ना कि तुम्हारा हिमाचल में तुम्हारे नेताओं ने जो किया वो भी आरोप आप पे लगा ही लिए और फिर आप भी अरेस्ट हो जाइए। मूल सब्जेक्ट है कि जो गलती करेगा उसको दो ना, जो पनिशमेंट देना है
कानून में कैसा बना है कि अगर बच्चों ने गलती किया तो माँ बाप जेल में जाएंगे, ऐसे कानून बना रहे। तो इसका मतलब है कि हमारा देश जो तानाशाह की ओर जा रहा है, ऐसे कानून बना रहे और उससे कांग्रेसी नेताओं को तकलीफ देने का ये काम करेंगे। इसलिए आपने आपको हमने यही कहा कि अगर जेल में डाले तो हम जेल में जाने को तैयार है। कांग्रेस तो आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय भी कई बार जेल में गई है और कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तभी देश को आज़ादी मिली है। इनका तो आज़ादी से कोई संबंध नहीं। इनके जो मुखर्जी है वो तो खुद अंग्रेज के साथ थे। उनका लेटर भी अभी वहाँ से ब्रिटेन से दिखाया जा रहा है कि कैसा उसने लेटर उस समय में मुखर्जी ने लिखा था कि कैसे अंग्रेज को ये सपोर्ट कर रहे थे आज़ादी की लड़ाई में। पटोली बदलाव की जो बातें हो रही हैं, राहुल जी ने रिजाइन किया, बिल्कुल हमारे नेता के साथ हम हैं और नेता हमारे राहुल गांधी जी जो बदलाव चाहते हैं हम उनके साथ हैं। हमें विश्वास है कि राहुल जी जो करेंगे वो हमारे सब कांग्रेस के लिए और देश के लिए अच्छा करेंगे। राहुल जी बदलाव चाहते हैं लेकिन प्रदेश कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ धड़े गिनते गिनते शाम हो जाए। दावे किए जा रहे थे कि इस मंच पर आपके मंच पर तमाम दलों को इनवाइट किया गया, उम्मीद थी कि वो आएंगे लेकिन देखो मुझे ये किसान कांग्रेस का प्रोग्राम है और किसान कांग्रेस के प्रोग्राम में यहाँ के नेताओं को आमंत्रित करना हमारा फर्ज बनता था। हमने आमंत्रित किया, उनकी व्यस्तता की वजह से सब लोगों ने मुझे फ़ोन कर बताया कि उनकी व्यस्तता क्या है, वो मुझे बताई और उसके वजह से वो आज यहाँ पे नहीं आए लेकिन इस मोमेंट में वो सब हमारे साथ है। आपको लगता है एकजुटता की जो कमी है, को आगे आना चाहिए किसानों, हमने उनको क्या लगता है कि किसान सेल की तरफ से इस प्रकार की इनकी कोई जिम्मेदारी आपकी तरफ से? देखो हम हमारे हाईकमांड से बात करेंगे। हम इनको हमने ये नहीं कहा कि हम आपको बस लग जाओ काम से, ये तो खुद नहीं चाहते, वो तो अपने यही किसान के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे ही सोशल में काम करना चाहते हैं। हम उनको प्रोत्साहित किए हैं और हम हाईकमांड से बात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बदलाव की संभावना अभी उसके बारे में, क्योंकि वो मेरा डिवीजन नहीं होने की वजह से मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।